हेलो साथियों गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू एग्जामपुर हमें से क्रांति साथियों मैं वो भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में एक बार जल्दी से आप सभी साथी क्लास में आ जाइए आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप टॉपिक साथियों आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टॉपिक पार्टनरशिप मतलब साझेदारी क्या आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर साझेदारी टॉपिक और देखेंगे साझेदारी में क्या कुछ नया होगा क्या कुछ पुराना होगा क्या कुछ विशेष इसमें होगा तो आज अपन बात करें किसकी आज अपन बात करेंगे टॉपिक किसकी पार्टनरशिप की टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप मतलब साझेदारी ठीक है ना तो एक बार पहले समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है फिर ध्यान देंगे किस पर इसके क्वेश्चंस पर सबसे पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अपन लोग ध्यान देंगे किस पर किस पर ध्यान देंगे हम लोग ध्यान देंगे इसके क्वेश्चंस पर तो जितने भी साथी एक बार क्लास में आ चुके हैं आप सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि क्लास मैक्सिमम बच्चों तक जा सके देखिए ध्यान से टॉपिक है आपका साझेदारी पार्टनरशिप साझेदारी में क्या होता है साझेदारी में ये साझेदारी पहले होता क्या है देखिए पहले कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बात सुनना ध्यान से जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी व्यापार में पूंजी लगाती है क्या बेटा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी व्यापार में कोई पूंजी लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं साझेदार या साझेदारी कहते हैं ठीक है ठीके? उसे कहते हैं पार्टनरशिप या साझेदारी कहते हैं उन व्यक्तियों को साझेदार कहते हैं ठीक है ठीके? उस व्यापार को साझा व्यापार कहते हैं साझेदारी में क्या होता है साझेदारी में हमेशा लाभ का बंटवारा करना होता है क्या साझेदारी में क्या करना होता है लाभ का साझेदारी में क्या होता है साझेदारी में हमेशा क्या करना होता है बेटा लाभ का बंटवारा करना होता है साझेदारी टॉपिक में हमेशा क्या करना है लाभ का बंटवारा करना होता है कैसे करते हैं देखिए जो भी लाभ का बंटवारा होता है ना वो हमेशा पूंजी के अनुपात में किया लाभ का बंटवारा जो होता है वो हमेशा पूंजी के अनुपात में किया जाता है इस बात को याद रखना ठीक है ना चूंकि यहां पर अनुपात वर्ड आ गया इसका मतलब मैं कह सकता हूं एक तरीके से रेशियो का ही दूसरा पार्ट क्या एक तरीके से रेशियो का ही एक पार्ट है कौन साझा आपका ये जो टॉपिक है आपका पार्टनरशिप वो रेशियो का ही कोई ना कोई एक छोटा सा हिस्सा या पार्ट है रेशियो का ही एक छोटा सा क्या ये पार्ट है जो किसके अंतर्गत है साझेदारी के अंतर्गत इसकी बात की जाएगी ठीक है तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन होंगे क्या होगी कंडीशन देखेंगे आगे जल्दी से आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे देखिए भाई क्वेश्चन है प्रियंका करण रोहन क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है प्रियंका करण और रोहन बहुत ही अच्छी भाषा का प्रश्न है बिल्कुल बेसिक्स देखिए बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन क्या हो सकता है इस टॉपिक का बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको लेकर के चलूंगा और अच्छे स्तर के क्वेश्चन को यहां पर मैं आपके सामने टैकल करवाऊंगा कि प्रियंका करण और रोहन आठ हजार सात हजार और नौ हजार रुपये लगाते हैं क्या प्रियंका करण और रोहन आठ हजार ठीक है सात हजार नौ हजार रुपए लगाते हैं क्वेश्चन क्या है कि प्रियंका करण और रोहन क्वेश्चन यह है कि प्रियंका करण और रोहन किसी व्यापार में आठ हजार रुपये सात हजार रुपये और नौ हजार रुपये लगाती है ठीक है तथा वर्ष के अंत में लाभ कितना कमाती है चौदह हजार चार सौ आपको करण का हिस्सा बताने हैं मतलब वो इतनी इतनी पूंजी लगाती हैं और पूरी साल भर में कितना लाभ कमाते हैं चौदह हजार चार सौ रुपये का लाभ कमाते हैं तो हमें बताना है कि इस लाभ में से करण का हिस्सा क्या होगा इसका मतलब है आपको चौदह हजार चार सौ रुपये जो लाभ है उस लाभ का बंटवारा करना है लाभ का बंटवारा कैसे करते हैं लाभ का बंटवारा हमेशा पूंजी के अनुपात में करते हैं ठीक है यदि मैं यहां पर इनका अनुपात निकालू तो क्या बटेगा तीन से कटेगा तीन तीन से कटेगा तीन, तीन योग्य आपका आठ योग्य आपका सात योग्य आपका नौ ये क्या हो जाएगा आठ और साथ पंद पंद्रह और नौ क्या हो गया चौबीस तो तीनों को टोटल मिला करके क्या हो गया चौबीस हो गया हां भाई जो भी लाभ इनको बांटा जाएगा बाद में लाभ के बंटवारे की बात चल रही है लाभ का जो बंटवारा होता है वह हमेशा पूंजी के अनुपात में होता है तो इनकी पूंजी का अनुपात क्या हो गया आठ अनुपात सात अनुपात नौ यदि इनकी जो लाभ का बंटवारा है वह आठ अनुपात सात अनुपात नौ के हिसाब से किया गया तो इनको टोटल तो कितनी पूंजी लगी चौबीस पूंजी लगी

दो सौ इस सवाल का क्या होगा सही जवाब होगा क्या होगा बेटा चार हजार दो सौ इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब होगा फोर थाउजेंड टू हंड्रेड चार हजार दो सौ इज द राइट आंसर ठीक है भाई यहां तक क्लियर बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था टॉपिक की शुरुआत करें टॉपिक को हमें सीखना है सिंपल जब हमें किसी चीज को सीखना है ना जब हमें किसी चीज को सीखना है तो बिल्कुल वहां से स्टार्ट करिए जो उसकी जड़ है बिल्कुल बिल्कुल तो बलुकुल बेसिक से पर मैं स्टार्ट कर रहा ताकि जिसकी समझ में कभी नहीं आए हो उसकी समझ में क्या आ सके बात यहां पर आ सके जिसकी समझ में कभी भी बात नहीं आई हो उसकी समझ में सारी बातें आ सके ठीक है बेटा दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ए ने लगाए चौदह हजार रुपए क्वेश्चन क्या है दूसरा दूसरा क्वेश्चन है कि यहां पर जो ए ना उस ए ने चौदह हजार रुपये लगाए आठ महीने के लिए बी ने बीस हजार रुपए लगाए छह महीने के लिए तथा सी ने बारह हजार रुपए लिए पूरे वर्ष भर वर के लिए वर्ष का मतलब क्या है पूरे बारह महीने तो यहां पर ए की यहां पर बी की और सी की पूंजियों की बात चल रही है बात क्या चल रही है कि ए ने तो लगाए चौदह हजार रुपए क्या ए ने लगाए चौदह रुपए कितने महीने के लिए आठ महीने के लिए ठीक है ना आगे देखिए आगे कह रहा है तथा बी ने लगाए 20000 तथा बी ने लगाए बीस रुपए कितने महीने के लिए छह महीने के लिए ठीक है सर आगे तथा सी ने लगाए बारह रुपए पूरे साल भर के लिए मतलब पूरे के पूरे 12 महीने के लिए तो क्या हो रहा है होता यह है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ बयालीस का तो आपको बताना है कि सी को ए से कितना अधिक लाभ मिला आपको सी का हिस्सा बताना है जो कि ए से क्या है ज्यादा है तो देखिए यदि मैं रेशियो निकालू तो तीन जीरो से कटेगा तीन जीरो से कटेगा तीन जीरो आएगा आपका रेशियो हो जाएगा आपका चार से कटेगा चार दूनी आठ चार पंजे बीस और चार तिया बारह ठीक है अब ये किसी से कटने वाला नहीं कटने वाला दो एक दो, दो छो छ अनुपात क्या बनेगा ये बनेगा आपका चौदह या बनेगा आपका पांच पंद्रह या बनेगा आपका छिया अठारह ठीक है तो हमने देखा यहां पर अनुपात निकाला पूंजियों का तो इसका अनुपात आया चौदह इसका आया पंद्रह इसका आया अठारह क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों को कुल लाभ मिला कितने का बयालीस हजार तीन सौ का तो इन तीनों को कुल कितना पूंजी का अनुपात कितना बैठा इनका आठ और पांच तेरह और चार सत्रह ठीक है ना कैरी हो गया एक दो तीन चार सैतालीस हो गया ठीक है आपको बताना है कि सी को ए से कितना ज्यादा मिला हमें दिख रहा है कि सी का हिस्सा कितना है अठारह ए का हिस्सा कितना है चौदह तो अठारह चौदह से कितना ज्यादा है चार ज्यादा है इसका मतलब है चार ज्यादा मिला कितने पर मिला सैतालीस पर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उनको हुआ उनको बयालीस हजार कितने का तीन सौ का कितनी बार ये संख्या कर सकती है कितनी बार ये संख्या कर सकती है देखिए ये कटेगा आपका चार सत्य अट्ठाईस सात सात उनचास नहीं कटेगा यार नौ सौ तिरसठ नहीं हां नौ से कट जाएगा नौ सौ तिरसठ नौ छत्तीस और छब्लिस नौ बार कटेगा मतलब नौ सौ बार और नौ सौ इन चार करेंगे तो क्या आएगा छत्तीस सौ तो थर्टी सिक्स जीरो जीरो छत्तीस सौ सवाल का क्या होगा सही जवाब होगा तो जिनका भी आ गया छत्तीस सौ एकदम सही एकदम राइट आंसर ठीक है बेटा जिनका भी क्या आ रहा है छत्तीस सौ आंसर आ रहा है आप एकदम सही कर गए बेटा एकदम शानदार ठीक है बेटा वेरी गुड बहुत बढ़िया एकदम सही जवाब आप सभी का छत्तीस सौ इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट right आंसर होगा ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत शानदार अगला देखते हैं जल्दी से आप सभी जो है क्लास को एक बार शेयर करेंगे यार सभी लोग है ना मिलकर के ताकि क्लास कुछ अच्छी चली जाए और बढ़िया बेहतर दीपावली की आज सबको बहुत बहुत शानदार शुभकामनाएं अच्छी दिवाली हुई आपकी अगला क्वेश्चन का कह रहे हो देखो क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर तीन का कहना चाहता है देखिए क्रांति ने नौ हजार रुपए लगा करके कारोबार शुरू किया एक तो क्रांति है और बाद में बात आ रही किसके बारे में सुधाकर के बारे में बात आ रही है कि क्वेश्चन क्या है कि क्रांति ने नौ हजार लगा करके क्वेश्चन क्या है कि क्रांति ने नौ हजार रुपए का निवेश करके कारोबार शुरू किया तथा पांच महीने के बाद आठ हजार लगा करके सुधाकर साइदार बन गया क्या पांच महीने के बाद आठ हजार रुपए लगा करके सुधाकर बन गया साझेदार लाभ कब हुआ वर्ष के अंत में छह हजार नौ सौ सत्तर का आपको सुधाकर का हिस्सा बताना है मुझे बताइए लाभ कब हुआ वर्ष के अंत में कितना हुआ छह सौ सत्तर वर्ष का मतलब है पूरे बारह महीने तो क्रांति ने पूरे बारह महीने काम किया होगा लेकिन सुधाकर है ना सुधाकर पांच महीने के बाद शामिल हुआ है इसने कितने महीने काम किया होगा सात महीने काम किया होगा ठीक है अनुपात निकालूंगा तो क्या आएगा तीन से कटेगा तीन चार तीय बारह और चार दुनिया आठ हो जाएगा आपका तिया 27 अनुपात सात दूनी चौदह इसका सत्ताईस इसका चौदह दोनों का टोटल क्या हो गया सात और चार ग्यारह दो तीन और एक चार कितना हो गया इकतालीस हो गया आपको बताना है सुधाकर का हिस्सा क्या होगा आपको सुधाकर का मान बताना था सुधाकर का हिस्सा कितना है चौदह टोटल कितने में से इकतालीस में से कितने में से बताना छह हजार नौ सौ सत्तर में से कितनी बार कटेगा सत्रह कम सत्रह

बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें क्या हो सकती है इसकी वो सब लेकर के चल रहा हूं और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है एग्जामिनर वहां तक चीजों को लेकर के आपके सामने जाऊंगा ठीक है बच्चों चलिए हो गया था क्लियर सभी का वेरी गुड आगे चलते अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे अपने यहां पर और प्रयास करेंगे जानने का समझने का अगला क्वेश्चन देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है त्रेपर रुपये को सी में इस प्रकार बांटा गया है क्वेश्चन क्या है कि त्रेपन रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। देखिए मैं बता रहा हूं त्रेपन रुपये को बांटना है ए बी सी में त्रेपन रुपये को बांटा गया है और कैसे बांटा गया है कि ए को बी से सात रुपए अधिक मिलते हैं बी को सी से आठ रुपए अधिक मिलते हैं बी को सी से आठ रुपए अधिक मिलते हैं इसको मिलेंगे x तो इसको मिलेंगे x प्लस के आठ ठीक है तथा b से सात रुपए मिलते हैं इसको मिलेंगे आपके ओहो, क्या कर दिया पंद्रह के, हैं। है? ये, किस -किस के है? ये तीनों एबीसी के रुपए हैं जो टोटल कितने एक सौ मतलब त्रेपन है भाई एबीसी में जो पैसा बांटना है ना वो ऐसे ऐसे बांटना है बांट दिया पैसा कितना है टोटल एबीसी का त्रेपन है इसका मतलब है इन तीनों की वैल्यू क्या होगी त्रेपन होगी एक्स 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 क्या होगा तीन एक्स पंद्रह और आठ क्या हो जाएंगे तेईस ये किसके बराबर है टोटल त्रेपन रुपए के आपका बराबर है तो तीन एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका तीस हो जाएगा क्यों इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा ये माइनस का ठीक है तो तीन से घट जाएगा दस बार एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका दस आ जाएगा ठीक है यदि मुझे एबीसी का मान चाहिए तो सी का मान क्या है आपका एक्स है एक्स की वैल्यू दस आ गई तो सी का मान क्या हो गया आपका दस हो गया ठीक है अनुपात अगला का मान क्या है एक्स प्लस दस प्लस अठारह सवाल का क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो हाँ भाई पच्चीस अठारह और दस ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या होगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बीज द राइट आंसर बताइए बेटा किसी को कोई दिक्कत बताइए या हो गया आपका आंसर पच्चीस अनुपात अठारह अनुपात दस ठीक है चलिए आगे क्या कर सकते हैं अपन देखेंगे और अगला अगला क्वेश्चन क्या कुछ बेहतर अपन लोग कर सकते हैं टॉपिक में देखिए आपका अगला सवाल है कि रवि रवि ने क्या किया कोई पैसा लगाया फिर सोहन ने कोई पैसा लगाया यहां पर रवि और सोहन की बात चल रही है क्या क्या कर रहे हैं रवि सोहन देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन है रवि ने, ने पिछहत्तर हजार रुपए की पूंजी लगा करके एक व्यापार शुरू किया रवि ने क्या किया पिछहत्तर हजार रुपये लगा करके एक पूंजी को शुरू किया तथा तीन महीने के पश्चात साठ हजार रुपये लगा करके सोहन भी उसका क्या बन गया साझीदार बन गया ठीक है न? अब क्या कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ सोलह हजार रुपए का लेकिन सोहन कब आया है तीन महीने बाद आया है सिंपल थी बात है यहां पर रवि ने व्यापार शुरू किया था पूरे साल भर तक काम किया मतलब रवि ने किया पूरे पूरे बारह महीने काम फिर क्या हुआ तीन महीने निकल जाने के बाद कौन आया सोन आया मतलब सोहन ने कितने महीने काम किया नौ महीने काम किया होगा डेफिनेटली श्योर है ठीक है अब देखेंगे क्या होगा तीन तीन जीरो से कटेगा आपका तीन जीरो पंद्रह पांच पिछहत्तर पंद्रह चौक साठ चार तिया बारह और तीन तिया नौ इसका अनुपात तो आ गया पांच इसका अनुपात आ गया तीन तो इसका अनुपात पांच इसका अनुपात तीन दोनों का क्या हो गया आठ हो गया क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए सुवन का हिस्सा क्या होगा हमें इस क्वेश्चन में सुवहन का हिस्सा बताना है कितना हो गया तीन टोटल कितना हो गया आठ ये कितने में से बताना है सोलह हजार में से बताना है गुणा करेंगे काहे का सोलह हजार का आठ दूनी सोलह और तीन दूनी छह खटाक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर करिए भाई ऑप्शन ए सवाल का क्या होगा सही जवाब होगा हां भाई क्लियर यहां तक चलिए देखिए भाई अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है आपका ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन है कि सलीम ने पच्चीस हजार रुपये लगाकर के एक व्यापार शुरू किया क्वेश्चन क्या है कि सलीम ने पच्चीस हजार रुपये लगा करके एक व्यापार शुरू किया यहां पर सलीम की बात आ रही है और कुछ महीने बाद किसकी बात आ रही है करीम की बात आ रही है सबसे पहले सलीम की बात आई है फिर कुछ महीने के बाद करीम की बात आई है क्वेश्चन है कि सलीम ने पच्चीस हजार रुपए लगाकर के एक व्यापार शुरू किया बेटा सलीम ने क्या किया पच्चीस हजार लगाए और एक व्यापार शुरू किया ठीक है आगे क्या हुआ लेकिन तीन महीने के बाद करीम ने भी पच्चीस हजार लगाए बहुत सही बात है ठीक है लेकिन हिसाब कब हुआ हिसाब हुआ वर्ष के अंत में कुल हुआ सलीम को करीम से तीन हजार रुपये ज्यादा मिले मुझे बताइए कब होगा? चलिए साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा समझते देखिए सोहन मोहन ने बारह हजार पे लगाए बात चल रही है सोहन की मोहन की कि सोहन ने और मोहन ने बात बहुत अच्छी है क्वेश्चन में लैंग्वेज बड़ी बढ़िया है कि सोहन ने और मोहन ने बारह हजार लगाए उसके कुछ दिन बाद रोहन भी साझेदार बनाए उतनी पूंजी लगा करके बनाए ना तो पूंजी को दर्शाइए मत लेकिन आप चाहते हो तो दर्शा लीजिए समझने के लिए बता रहा हूं केवल कि, कि सोहन ने लगाए कितने रुपए बारह हजार रुपए तथा मोहन ने कितने लगाए बारह हजार रुपए क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन महीने के बाद मोहन साझा छोड़ करके चला गया इसका मतलब मोहन ने कितने महीने काम किया केवल कि तीन महीने काम किया ठीक है फिर क्या हुआ तथा उसके स्थान पर सात महीने के बाद उतनी पूंजी मतलब बारह हजार लगा करके

क्वेश्चन में कुछ दे रखा है क्या कि रोहन को चौ रुपए का लाभ होगा रोहन का लाभ कितना तीन पांच आठ चालीस पांच आठ चालीस और जीरो ठीक है, ती एक जीरो आएगा जा कट जाएगा से, तीन से कटेगा जीरो तीन अट्टे चौबीस और दो छब्बीस सौ चालीस छब्बीस सौ चालीस खटाक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस सवाल ठीक है ना चलिए हो गया खत्म यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताइए चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन है आपका यहां पर कि सीता ने पांच हजार रुपये लगा करके एक फैंसी स्टोर खोला सीता ने क्या किया सीता ने पांच हजार रुपये लगा करके कोई फैंसी स्टोर खोला ठीक है तथा सात महीने के बाद गीता भी आ गई तथा सात महीने के बाद गीता भी आ गई क्या हुआ कुछ पूंजी लाकर के आ गई मतलब एक्स पूंजी लाकर मैंने मान लिया एक्स पूंजी हाँ भाई इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है तथा सात महीने के बाद क्या था सात महीने के बाद गीता कुछ पूंजी लगा करके व्यापार में आ जाती है मतलब मान लीजिए एक्स पूंजी लगा करके क्या आ जाती व्यापार में आ जाती है कब सात महीने के बाद हिसाब कब होता है पूरे वर्ष के अंत में यदि हिसाब पूरे वर्ष के अंत में होता है मतलब ये तो पूरे बारह महीने काम करेगी और ये कितने महीने काम करेगी पांच महीने काम करेगी क्यों क्योंकि गीता पांच सात महीने के बाद आ रही है तो पांच महीने काम करेगी पूरी साल भर काम करना है तो तो इसका मतलब ये कि, ये कट जाएगा पांच से कट जाएगा एक बार ही ये तो हो जाएगा आपका बारह हजार ये हो जाएगा आपका एक्स इतनी इन्होंने पूंजी लगाई बारह हजार अनुपात एक्स में सीता गीता का जो लाभ का बंटवारा हो कैसे होगा बारह हजार अनुपात एक्स में होना चाहिए लेकिन क्वेश्चन दे रखा है कि उनको लाभ हुआ है दस अनुपात सात का क्वेश्चन क्या है उनको जो लाभ हुआ है वो हुआ है कितने का दस अनुपात सात का हुआ है तो जीरो से कट गया जीरो चौरासी एक्स बराबर क्या आ गया आठ हजार चार सौ इसका मतलब है गीता कितनी पूंजी लाकर व्यापार में, में आई होगी आठ हजार चार सौ रुपए लगाकर के व्यापार में आई होगी आई होगी आई होगी अरे हो बताओ आई कि नहीं आई सभी साथ ही एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा बेचीत करवा के मानोगे कहते हैं है। आप तो लुटिया डबो कोई मानोगे जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए बेटा है ना सोनू और मोनू ने सत्तर और चौहत्तर क्या सोनू ने और मोनू ने क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि सोनू और मोनू ने क्या किया सत्तर हजार रुपये लगाए कितने सत्तर हजार रुपये लगाए और चौहत्तर हजार रुपए लगाए सोनू और मोनू ने सत्तर हजार और चौहत्तर चौरासी हजार सोनू और मोनू ने सत्तर हजार और चौरासी हजार रुपए लगा करके व्यापार शुरू किया सोनू को सक्रिय साझेदारी के कारण अठारह रुपए का महावार वेतन दिया गया ठीक है मतलब सोनू को क्या किया गया इस सोनू को सोनू के लिए एक बात कही गई है सोनू को अठारह सो रुपए प्रति महीने वेतन दिया गया बारह महीने तक क्योंकि साल पूरे साल भर में हो रहा है तो कितना वेतन दिया गया बारह पंचायत साठ कैरी हो गया छह बारह सत्तर चौरासी और छह क्या हो जाएगा आपका नब्बे बारह नंबर एक सौ आठ और नौ कितने होते हैं छानवे सॉरी सॉरी बारह पंचायत तो चौरासी और, और कैरी हो गया आपका नौ बारह छियानवे सत्तानवे अठानवे सौ एक दो तीन चार पांच कैरी हो गया दस, बारे बारे तो दस तो दस इसका मतलब हो गया कि बाईस हजार पांच सौ रुपए सोनू को सक्रिय साझेदारी के कारण अठारह सौ पिछहत्तर रुपए हर महीने देना तय हुआ तो साल भर में कितना दिया गया बाईस हजार पांच सौ दिया गया ठीक है ना इनकी पूंजी का अनुपात निकालते हैं ये कट गया ये कट गया सात से कटेगा दस सात से कटेगा बारह सत्य चौरासी ठीक है ये कटेगा दो पंच दस दो से कटेगा दो छिक बारह इसकी अनुपात पांच इसका अनुपात टोटल क्या हो गया ग्यारह हो गया आपको क्या बताना है सोनू का लावांश क्या होगा आपको सोनू का हिस्सा बताना है सोनू का तो देखिए कैसे निकालते हैं सोनू का हिस्सा सोनू की पूंजी कितनी है पांच टोटल हो गया ग्यारह इन कितने में से भाई टोटल लाभ तो हुआ है उनतालीस हजार रुपये का टोटल लाभ हुआ है उनतालीस हजार का जिसमें से बाईस हजार पाँच सौ रुपये तो उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो बचे कितने बाईस हजार पाँच सौ को निकाल दो इसमें से जो बचे होंगे उसी के होंगे सारे के सारे मतलब बाकी दोनों लोगों के होंगे दस में से पाँच गया पांच आठ में से दो गया छह ये हो गया सोलह हजार पांच सौ इसका मतलब है कि जो पैसे बटे जो लाभ बटेगा उनतालीस हजार में से वो कितना बटेगा सोलह हजार पाँच सौ बटेगा दोनों में सोलह सक्रिय साझेदारी का मतलब है कि यह तय हुआ कि जितना भी लाभ होगा उसमें से पहले तो देंगे इतना किसको सोनू को जो बचेगा उसको बांटेंगे दोनों में बराबर बराबर ठीक है ये सोनू को चला गया बच गया सोलह पांच सौ अब मैं इसको दोनों में बांट रहा हूं ग्यारह 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 पांच पचपन हो जाएगा पंद्रह पांच पिछहत्तर सो कितना मिल गया पिचहत्तर सौ रुपए मिल गया किसको सोनू को पिचहत्तर सौ रुपए मिल गया सोनू को लेकर पूछ रहा है सोनू को लाभांश में कितना मिला एक बात आप देख रहे हो तो उसको मिल गया लेकिन बाईस हजार पांच सौ रुपए और मिले तो पिछहत्तर तो टोटल क्या हो गया आपके बाईस और और रुपए टोटल मिलेंगे उसको भाई सिंपल सी साढ़े बाईस हजार तो उसको मिलेंगे सक्रियता के कारण लेकिन पिछहत्तर तो सौ मिलेंगे टोटल तो टोटल कितने जो मिलेंगे बंटवारे के तो टोटल कितने मिलेंगे उसको तीस हजार मिलेंगे तो इस तरीके से आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज थी बढ़िया क्वेश्चन है पेपर में अधिकतम अच्छे लेवल का प्रश्न है ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका अगला सवाल क्या कहना चाहता है देखिए आपका अगला क्वेश्चन है अनिल राजेंद्र कन्हैया अनिल राजेंद्र और कन्हैया क्वेश्चन है कि अनिल राजेंद्र और कन्हैया में कोई पूंजी मार्ट नहीं है एक बटा दो में अनुपात एक बट्टा तीन में अनुपात एक बटा पांच में तो सबसे पहले क्या करेंगे अनुपात बटे में नहीं होता एक, काम इसको एक ऐसी से ताकि अनुपात हट जाएंगे तो तो दो से बनेगा पंद्रह तीन से बनेगा आपका दस पांच से बनेगा आपका पूंजी पंद्रह इसकी पूंजी दस की पूंजी क्या आ गई छह क्वेश्चन क्या कह रहा है चार माह बाद राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी वापस निकाल ली यदि इसकी टोटल पूंजी क्या थी डेढ़ सौ इसकी सौ इसकी साठ अपनी तरफ से मैंने एक एक जीरो इसमें और बढ़ा दिए अपनी तरफ से एक एक जीरो मैंने और बढ़ा दिए ताकि सवाल में कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी हो जाए वो कह रहा है कि चार महीने के बाद राजेंद्र ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली राजेंद्र कितनी पूंजी है सो है इस सो में से उसने चार महीने के बाद आधी पूंजी निकाल ली कितनी बच गई पचास बच गई ठीक है साहब आगे तथा आठ महीने के बाद कन्हैया ने अपनी पूंजी दुगनी कर दी कन्हैया की पूंजी कितनी है साठ तो आठ महीने तक तो ये होगी लेकिन अब उसने दुगनी कर दी मतलब एक सौ बीस कर दी ठीक है ठीक है आगे देखिए दुगनी कर दी यदि वर्ष के अंत में वर्ष वर्ष का मतलब है ये साफ कब हो रहा है पूरे साल भर में हो रहा है वर्ष के अंत में पूरे लाभ का बंटवारा हो रहा है इसका मतलब है चार महीने इसके निकल गए ये पूंजी आठ महीने की हो गई ठ महीने निकल गए ये पूंजी चार महीने की हो गई इसने कुछ नहीं किया मतलब इसकी पूरी बारह महीने की हो गई इसका क्या हो जाएगा इसका अनुपात हो जाएगा बारह पंद्रह एक सौ अस्सी इसका तो होगा आपका अठारह सौ इसका सौ चौके चार सौ अड़पन चालीस चार सौ और चार सौ क्या हो गया आपका आठ सौ हो गया डबल पूंजी हो गई आठ से कट चार सौ अस्सी और चार सौ अस्सी क्या हो गया नौ सौ साठ हो गए आपके इसकी पूंजी क्या होगी टोटल नौ सौ साठ हो गई अब देखेंगे पूंजी का बंटवारा कैसे कैसे किया गया जीरो से कटा जीरो जीरो से कटा आपका जीरो ठीक है आगे क्या हो सकता है इसमें आगे कुछ और हो सकता है क्या सोलह ये कटेगा आपका आठ से बी आठ से कटेगा आठ धोनी सोलह नहीं कटेगा आठ से चार से कटेगा पैंतालीस चौक एक सौ अस्सी चार से कटेगा बीस बार और चार से कटेगा चौबीस चौक छियानबे ठीक है इसकी पूंजी पैंतालीस इसकी पूंजी बीस और इसकी पूंजी चौबीस तो तीनों की टोटल क्या होगी पांच और चार नौ दो और दो चार और चार आठ नवासी होगी तीनों की टोटल क्या होगी नवासी होगी आपको लाभ में कन्हैया का हिस्सा कितना होगा कन्हैया कितना है आपका कन्हैया आपका कितना है चौबीस है तो आपको बताना है कि चौबीस बटे भैया आपको क्या बताना है कि चौबीस बटे नवासी गुणा टोटल कितना लाभ हुआ है चवालीस सौ पचास रुपए का लाभ हुआ है अब देखिए कितनी बार कटेगा पान नाम पैंतालीस चालीस चंबल ये कटेगा आपका पांच बार कटेगा मतलब पचास चौबीस पंजीयस बारह 1200 इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर होगा बारह 1200 ट्वेल्व हंड्रेड इस सवाल का क्या होगा सही जवाब होगा ट्वेल्व हंड्रेड बारह सो इज द राइट आंसर तो चलिए साथियों प्यारे साथियों आज की क्लास को मैं रोकता हूं यहीं पार्टनरशिप से का सेकंड पार्ट करेंगे अब अपने अगली क्लास में तब तक के लिए राधे राधे जय हिंद जय भारत जय एग्जामपुर कर विजय जय एग्जामपुर